अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का मेरा डेली रूटीन क्या है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और जैसे कि मैं अपना रोज का डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, हाँ। है ना। और मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी ऐसा वीडियो बनाने में ना काफी इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि मेरा काम भी झटपट सा हो जाता है, रेसिपी भी झटपट बन जाती है और आप लोगों को वीडियो भी मिल जाता है। बराबर ना? एकदम बराबर। तो जैसे कि जैसे मैं सुबह उठ गई, उठने के बाद में मैंने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद में सबको, अपने घर वालों को नाश्ता दी, उन लोग भी नाश्ता कर लिए। उसके बाद में सबसे पहला मैंने लगाई कपड़ा धोने की मशीन, क्योंकि मुझे 2 से 3 दिन हो गए थे मैंने कपड़ा धोने की मशीन नहीं लगाई थी। तो कपड़े ना बहुत ढेर सारे ज्यादा हो गए थे, है ना। तो फिर मैंने कपड़ा धोने की मशीन लगाई, वहां पर कपड़े हमारे धुले जा रहे हैं। जब तक मैं सोची कि यहाँ पे कुछ भाजी बना लूं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल की भाजी और इसके साथ में चपाती बनाएंगे। एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं, फुली फुली सी रहते हैं। और दूसरी बात, ये देखिए, ये थोड़ा सा दूध बच गया, इसे मैंने अलग बर्तन में निकाल के रखी हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी काली चाय बची है, वो हम लोग अलग बर्तन में निकालते हैं। आप लोग बोलेंगे काली चाय का पानी अलग और दूध अलग, हम लोग ऐसी चाय बनाकर पीते हैं। अगर आपको देखना है कि हमारे घर में चाय कैसी बनती है तो मुझे कमेंट करना। बराबर बनाते बराबर। और यहाँ पर देखिए, ये हम लोगों ने कल बिरयानी का ऑर्डर दिए थे, तो यहाँ पर ये बिरयानी थोड़ी सी बची हुई है, तो मुझे चावल बनाने की जरूरत नहीं है। ये बिरयानी बच्चे लोग खा लेंगे और साथ ही में यहाँ पे रोटी और भाजी भी खा लेंगे, मेरा काम खत्म हो जाता है यहाँ पर। बराबर। तो चलिए, अभी मैंने क्या की हूँ, कढ़ाई को ना गर्म होने के लिए रख दी हूँ गैस के ऊपर। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले तेल डालूंगी। तो देखिए यहाँ पे तो तेल केतली में खत्म हो गया है ना। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने केतली में तेल डाल दी। केतली भी काफी गंदी हो गई है, केतली को धोना है। तो मैं सोच रही हूँ अभी केतली के अंदर दूसरा तेल मैं यूज नहीं करूँ, इसको मैं धोने डाल दूँ और डायरेक्ट डब्बे से ही मैं इसके अंदर ये डाल दूँ, तेल डाल दूँ। चलिए, है ना, मैंने जब इस घर में आई थी तो इसे धोकर इसमें तेल भर के ली थी, मगर अभी डब्बा काफी गंदा है। तो अभी शायद लगता है कि मैं अभी घर पे जाने के बाद ही सारे सामान धो लूंगी। तो कम से कम 5 चम्मच ऑयल मैं इसके अंदर यूज करूंगी, क्योंकि ये जो मूंग दाल भाजी बना रही हूँ ये बहुत सूखी होती है, इसमें थोड़ा तेल की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो खाने में बहुत मजेदार लगती है। अब तेल को क्या करेंगे, खूब अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तक का मैं क्या करती हूँ, इधर से यहाँ चम्मच निकाल लेती हूँ। ये चम्मच के बगैर ना गाइस मैं खाना ही नहीं पका सकती हूँ, चाहे कोई भी रेसिपी बनाओ। ये चम्मच मेरा फेवरेट चम्मच है, ये मुझे बहुत पसंद है ना। ये चम्मच वो नए घर में भी जाएगा। और ये चम्मच से आसिफ ने बहुत बार मार खाया है, पता है आपको कैसा? देखिए ये चम्मच तेरा हो गया है, तो समझ जाना इससे आसिफ ने मार खाया है ना जी। आसिफ को जब मैं मारती थी, इतना आसिफ को मारती थी कि चम्मच भी तेरा हो जाता था, मगर मेरा बच्चा इतना मार खाने के बाद में भी इतना अच्छा और इतना नेक बकत निकल गया, मुझे नहीं पता था। और अशरफ भी ये चम्मच से बहुत मार खाया है ना। मगर अशरफ इतना बदमाश का बदमाश ही है, वो सुधरता ही नहीं है, है ना जी। बराबर। तो चलिए, यहाँ पर जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 10 से 12 लहसुन की कलियां ले लूंगी, उसे कुचल लेंगे और थोड़े से करी पत्ते। ये वाली सूखी दाल है ना गाइस, आप जवारी की रोटी के साथ में भी बनाकर खाएंगे ना तो आपको बहुत ही मजेदार लगेगी। और जैसे कि माशाल्लाह मेरे घर का वायरिंग का काम चालू हो चुका है, वायरिंग का काम हो जाएगा उसके बाद में हमारे प्लम्बर का काम चालू हो जाएगा, है ना। तो चलिए, जब तक हम क्या करेंगे, इसे ना 2 से 3 मिनट तक का अच्छी तरह से लहसुन को और करी पत्ते को भून लेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली हूँ, उसे मैंने बारीक कटिंग कर दी हूँ, और 5 से 6 हरी मिर्ची बीच में से कटिंग कर लेना है। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, अगर आप तीखा ज्यादा खाते तो ज्यादा डालिए, कम खाते तो कम डालिए। हम लोग मीडियम खाते हैं मगर तीखा थोड़ा ज्यादा ही खाते हैं। प्याज डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज को, जैसे कि प्याज को हमें सॉफ्ट कर लेना है, नरम कर लेना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हमारी प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। जैसे हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ करना, कोई भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है हमें, बर्तन ने अच्छे से साफ करके ले लेना है। हाँ, रेसिपी बनाने के समय गाइस हाथों को अच्छे से धो लेना। यहाँ पे अभी हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर।
मैं हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं पाव किलो मूंग की दाल बना रही हूँ, है ना, जब हम लोगों को दोनों टाइम चल जाना चाहिए, इसीलिए। अभी ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं एक बार मैं मिक्स कर दूँगी और गैस को मैं हाई पे रखूँगी, बिल्कुल भी लो पे नहीं रखूँगी, हाई पे रख के हम इसे पकाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दाल ना इतनी पसंद है ना मुझे, ये मेरे को दाल बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए मैंने मूंग की दाल ली हूँ, इसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर ली और उसके बाद में मैंने इसे 4 से 5 पानी से धो ली और धोने के बाद में मैंने इसे क्या की, आधा घंटा भिगो के रखी थी। अब ये डायरेक्ट पानी के साथ में ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया हमने, चलिए ये दाल भी हमारी चली गई अंदर। अभी इसको बर्तन को अच्छे से साफ करेंगे। इसके अंदर टोटल मैंने 2 गिलास पानी डाली हूँ, 2 गिलास पानी में हमारी दाल बनकर रेडी हो जाएगी, बराबर आसिफ? बराबर। तू भी तू सीख जरा मम्मी कैसे खाना पकाती है। मैगी आता है, अंडा बनाने आता है बस, और एक गार्लिक सैंडविच बनाने आता है, बस ये 2 चीज मैंने सिखा के रखी है ना। स्नैक्स का आइटम है वो, स्नैक आता है। हाँ, अभी वो घर में जाएगा तो आवाज भी देगा, तुम लोग को टेंशन नहीं देगा। हाँ, हम लोग पिज्जा भी जब बना के खाएंगे, पिज्जा बना के खा लेना, सब बना के मैं चटनी भी अपनी फ्रिज में लेके रखी होगी। हाँ, तो अपने हाथ से बना लेना। डायरेक्ट पाव लाए, चटनी लगाए, वो सब डाले। हाँ, शिमला मिर्च चीज डाल के ओवन में रख दिया, पक के आ गया, खा लिया। हाँ, मजा आएगी। शिमला मिर्च वो सब काट के तो फ्रिज में इतने से डब्बे में भर के रख। हाँ, लोग जब खाने का निकाले चीज डाले खाए। 15 मिनट तक का हम पका लेंगे ढककर, गैस को मीडियम पे रखेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। और ढक्कन की इतनी मारा मारी है ना, हमारे घर में ढक्कन ही नहीं है, मैं ढक्कन एक तक उनको ढाक दी हूं। ढक्कन नहीं है, अब क्या करेंगे, तो बांध ढक्कन काम के लिए सारे बर्तन मैंने बांध बांध के रख दी हूं। तो चलिए अभी तो भाजी बनती है, अभी इसके अंदर सिर्फ कोथमीर डालना है। आराम से मीडियम गैस पे दाल को बीच में 1-2 बार आप इसके अंदर चम्मच भी मार लेना। सरफ का पानी निकाल के मैं रख दूंगी सारे चौक में, फिर बाद में खंगाल दूंगी। मौकी आएंगे ना तो मौकी को लेकर खंगाल। तो चलिए गाइस, भाजी हो गई, एक मोटर बन के गई। तो चलिए गाइस, भाजी हो गई। भाजी हो जाने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े खंगालने का था, तो मौसी आ गए, तो मैंने मौसी को बोली, मौसी थोड़े से तुम कपड़े मुझे खंगाल खंगाल के दे दो, मैं यहाँ पे सूखने के लिए डाल देती हूँ सूखने वाली मशीन में, क्योंकि एक बार हम लोग भाग भी कपड़े को खंगालते ही है। हाँ, जैसे कि ये वाले मशीन में हमारे कपड़े धुल गए ना, तो इसमें से उठा के हम लोग इसमें डाल देते हैं, फिर इसमें जितना सरफ रहेगा ना वो सारा सरफ हम लोग निकाल देते हैं, फिर कपड़े निकालते इसमें से, फिर ऐसे बाहर कपड़े खंगालते, तो ऐसा पूरा अच्छे से बाहर कपड़े ऐसे खंगाल के उसके बाद में फिर हम लोग इसको सूखने के लिए डाल देते, फिर हमारे कपड़े साफ हो गए। मतलब डबल में डबल काम करते हम लोग, अच्छा है। मतलब डबल काम है, मतलब मम्मी को ऐसा एक ही बार में घुमा के मम्मी को जो लगता नहीं है कि कपड़े साफ हुए करके, ऐसा खंगाल के जब इसमें वापस डालेंगे तो ऐसा लगता है मम्मी को कि कपड़े साफ हुए करके। हाँ, चलो अभी वहाँ पे हमारा आर्किटेक्ट आ गया है कुछ सीढ़ी के बारे में आइडिया देने के लिए, तू जाके आ, तू जा, मैं जाके आता हूँ, तुम कपड़ा डाल के आ जाओ। मस्त एकदम डाइट की भाजी बनी आज। बर्तन के बहुत शॉर्टेज है इधर, बर्तन ज्यादा सा बांध के रख देना मैंने। हाँ, वही मतलब शॉर्टेज है ना, ढक्कन तो देखो मम्मी एकदम सैल्यूट है मम्मी को। हाँ, कोई भी किस पे वापरते मम्मी, जैसा कोई भी कोई भी मैक्सी पे कोई भी भरनी ले लेते, वैसा हमें कोई भी टॉप पे कोई भी ढक्कन रख देते, कोई भी ढक्कन रख देते सब बनाए करके। आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। मज़ बना। चलिए अभी पहले खाना खा लेते हैं, वो जोरों की भूख लगी है, फिर उसके बाद मिल रहे। तो क्या यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा के हो गया है, और यहाँ पे अम्मी काफी दिनों के बाद अपने हाथ से कपड़े धो रहे। क्यों धो रहे कपड़े हाथ से? अरे इसके अंदर है ना मोती लगी है ना, इस तरह की ऐसी। अच्छा, हाँ, डायमंड की मोती मशीन में डालेंगे तो टूट जाएगी ना।
हाथ से धो के लेती हूँ। अच्छा मैं पहले तुम हाथ से धो देना कपड़ा, वो तुम्हारे पास वो बैड भी थी ना वैसा मार के पिटनी बोलते ना उसको, कैसा धो देते छूट गई ना। अभी मम्मी को थोड़ा दम लग रहा है, अभी दम लगता है। अभी मम्मी का ऑपरेशन भी हो गए दो तीन, वो टाइम पे ऑपरेशन नहीं थे तो फिर हाँ प्रैक्टिस होती है तो धोते हो। वही मैं देखा अम्मी को बोला हाथ से अम्मी धो रहे करके पूरी गिल्ली हो जाती थी कभी कपड़ा धोते थे। हाँ पहले तो अम्मी बाहर बैठ के धोते थे। हाँ बाहर बैठ के धोते थे ना दरवाजे के बाहर। ऐसे कपड़े को पटकते ही थी पहले भाई। पिटनी किधर है, दे दी है ना पिटनी, वॉशिंग मशीन ले लिया। अभी नहीं यूज करता, अभी कौन यूज करेगा पिटनी, अभी सब वॉशिंग मशीन ले लेते पहले का मशीन भी। हाँ पहले पहले मैंने भी मशीन ली थी तो मेरे को भी मशीन में जमता ही नहीं था कपड़ा, पसंद ही नहीं आते थे मुझे मशीन के कपड़े। हाँ और अभी मशीन के बिना जमता नहीं है, अब मशीन के बिना जमता नहीं है। पहले चप्पल भी हाथ से ही धोती थी। हाँ यहाँ पे देखिए मम्मी कैसा धो रहे कपड़े। अभी ये शायद तो अम्मी ड्राई क्लीन में दे सकते थे नहीं, ना, लेकिन ना, दे दे सकते थे लेकिन अम्मी बोले क्यों देने का करके नहीं। जब मैं घर पे धो सकती हूँ तो घर पे धोगे ना, जबरदस्ती क्यों पैसा वेस्ट करने का। हाँ हाँ वो कपड़ा देते, वेरी गुड अम्मी आई एम प्राउड ऑफ यू। ड्राइक्लीन में मुझे ऐसा लगता है बिस्तर देंगे ना लॉन्ड्री मिंट्री में तो मैं बस लगता हूँ साफ ही नहीं हुई। एक बार तुम्हारे भाई मेरा ऑपरेशन हुआ था ना नया नया, तो तुम्हारे भाई ने बिस्तर दिए थे धोने के लिए, मैं वो बिस्तर पसंद ही नहीं आई। एक फिर दो या तीन महीने के बाद मैंने वो बिस्तर को हाथ से धोई जब मेरे ताके खुल गए थे। हाँ फिर हाथ से धोई तब जाके मेरे कलेजों को ठंडक मिली कि बिस्तर साफ हो गए। बराबर को जमता ही नहीं, मैं ब्लैंकेट नहीं देती हूँ धोने के लिए। ब्लैंकेट अम्मी खुद ही धोते हाथ से नहीं पैर से धोते। हाँ गर्म पानी निकाल लेती हूँ उसमें सरफ डाल देती हूँ उसके अंदर और खुशबू का ये वाला डाल देती हूँ कम्फर्ट का और उसको आराम से भीगने के लिए छोड़ देती हूँ पूरा एक दो दिन अच्छे से भीग जाते ना, फिर उसको कप में खड़े देके कैसा ऐसा 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 कुचल के पानी फेंकती हूँ, फिर पानी डाल के भी कुचल के एकदम साफ कर है ना, फिर उसको ऐसा काई पे भी अटका देती हूँ कि पूरा पानी निकल जाएगा ना, फिर उसको लेके जाके धूप में डाल देती हूँ सूख जाता है। टैक ले भाई उस बुकट में एक अंदर कर दो, इधर पैंटे धोई मैंने कितनी सारी पैंटे मशीन पे हो गई। आज कितना बजे शाम हो गई अभी तो बज गए 5:30 हो रहे साढ़े पाँच हो गए सारे कपड़े धोई हूँ मैंने आज। मम्मी कितनी भी मोटी से मोटी जीन्स रेंदो ट्रैक रेंदो मम्मी खुद ही धो देते सब पकड़ू मैं नहीं चलेगा चलेगा चल पैंटे धोई देखो मैंने अकेली कितने धोई सब मशीन में घुमाई भी फिर खंगा हाथ से खंगाले भी मौकी ने खंगाली और मैंने उठा उठा के डाली फिर थोड़े कपड़े फिर मौकी का काम होगा तो मौकी चले गए तो बाकी की ये पैंट विंग सब मैंने खंगा ली। वेरी गुड बोली जाओ मौसी तुम तो 2-3-4-5 पैंट है मैं खंगाल लूंगी। हाँ तो ये सारी पैंट है तुम्हारे भाई के कपड़े जो है ना वो एकदम पतले रहते हैं सबसे मोटे कपड़े अच्छे रखते रहते हैं तो कितना मोटा ये देखो कितना मोटा गोदले के जैसा अल्लाह दम लगने लग गया आज मेरा गला बहुत दुख रहा है ठंडा पानी ज्यादा पी रही हूँ ना टॉन्सल हो गया रहेगा या होने वाला रहेगा टॉन्सल है मेरे को ज्यादा ठंडा पीना पीती हूँ ना बाइक लेके गया था कॉलेज आया क्या। हाँ एक्टिवा की आवाज आ रही है क्या आया है वही साढ़े आज उसे एक्टिवा की आवाज आई ना अपनी चाहिए और यहाँ पे अशरफ भाई आते हुए कॉलेज से सलाम अलैकुम चले गए आज का दिन भी खत्म हो गया ऐसे काम करते करते पूरे कपड़े धोई खाना पकाई रूम के पास में 2-3 चक्कर लगाई और काफी थक गई। ये टाइम पे तो आपको मेरे चेहरे से ही पता चला रहेगा कि मैं कितनी थक गई हूँ
तो अभी सो जाती हूँ आराम से, है ना आसिफ? बराबर। और कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं सिर्फ आप रेसिपी बताओ मत, रेसिपी के साथ में आप ब्लॉग भी शूट करो, तो देखने के लिए हमको अच्छा लगता है, मतलब रेसिपी विद ब्लॉग हाँ ऐसा देखने के लिए अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी रेसिपी विद ब्लॉग ही बनाने की, कि आप लोगों को पसंद आए, है ना? बराबर। और जरा मेरे को गले में भी दर्द हो रहा है यहाँ पे, जरा ठंडा ठंडा पानी, गर्म बहुत होता है करके क्या करती हूँ, फ्रिज का ठंडा पानी पी लेती हूँ, तो टॉन्सिल का थोड़ा तकलीफ हो दवा गई है। लेके आए दवा लेके ही जाके दवा खाए। खाई खाई खाई, है ना? अब इंशाल्लाह कल का ब्लॉग आप लोगों को देखने मिलेगा, देखते कल की डेली की रूटीन क्या रहती है, मुझे खुद को भी नहीं पता है, जो जैसा बनता है, जो आता है और जो बनता है वैसे बना देते हैं हम लोग, कोई प्लान करके नहीं बनाते, क्या नहीं आज ये ऐसा बनाना है, आज ऐसा बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता हमारा, है ना? बराबर जो हमारे हमारी लाइफ में जो होता है हमारे साथ में, वही हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। बराबर। तो चलेगा, इस बस दुआओं में याद रखना, दुआ की दरकार है, सबके लिए दुआ करना, सारी आवाम के लिए दुआ करना, है ना? और मैं भी सारी आवाम के लिए दुआ करती हूँ। तो चलिए, इस तरह का अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने के लिए, अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए अफरोज किचन को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना? और हाँ शॉर्ट वीडियो देखना है आप लोगों को मेरे, तो आप लोग मेरे अफरोज रेसिपी ब्लॉग पर भी देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो, और अफरोज केक 95 पे भी देख सकते हैं मेरे, है ना, इंस्टाग्राम आईडी पे। इंस्टाग्राम पे। और डांस वीडियो देखना है तो मेरी नंबर 1 जोड़ी पे देख सकते हैं। चलो, अल्लाह हाफिज, लव यू।